हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमृतास किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक चाइनीज रेसिपी लेके आई हूँ, वेज मंचूरियन की रेसिपी, जो आपको पता ही है सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने अभी पीछे लास्ट कुछ टाइम पहले हक्का नूडल्स की रेसिपी भी शेयर करी थी, आप उसके साथ बनाइए, देखिए कितना मजा आएगा। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ उसकी रेसिपी। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फटाफट कर लीजिए और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं वेज मंचूरियन। वेज मंचूरियन बनाने के लिए बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं, वो तो आपको पता ही है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको वेजिटेबल्स बता देती हूँ। अराउंड 1 कप या 1 बड़ी कैरेट मैंने ग्रेट की हुई है, ये देखिए अराउंड 1 कप ही। ये फूल गोभी है, कॉलीफ्लावर, ये 1 कप कैबेज है, पत्ता गोभी, और ये तीनों मैंने ग्रेट किया हुआ है। ये देखिए बीन्स है, 4 से 5 बीन्स है, इसको मैंने महीन महीन काटा हुआ है, ग्रेट नहीं किया है। ये एक छोटी कैप्सिकम मैंने महीन महीन काटी हुई है, इसको भी ग्रेट नहीं किया है। अराउंड 1 टीस्पून गार्लिक है और 1 टीस्पून ये जिंजर मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक को। गार्लिक टोटली ऑप्शनल है, जो लोग नहीं खाते इसको स्किप कर सकते हैं, इसमें अदरक का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे, इसमें हम सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। सबसे पहले हमें बाउल्स बनाने हैं वेजिटेबल, उसके बाद ग्रेवी बनेगी, ये इसमें डाल देंगे, सारी हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। इसको आपने कम ज़्यादा बॉल्स बनाने हैं, आप उसी हिसाब से बढ़ा कम कर लीजिएगा। ये देखिए सब कुछ हम इसमें डाल देंगे, गार्लिक भी डालते हैं, ये जिंजर भी डाल देंगे। चलिए अब हम इसको मिक्स करना है सब वेजिटेबल्स को। 2 स्पून मैदे डाल देंगे, बड़े 2 स्पून भर के इसमें मैदा डालेंगे, और उसके बाद 3 स्पून इसमें हम डाल देंगे कॉर्न स्टार्च। पानी अगर लगेगा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वेजिटेबल्स अपना ही पानी छोड़ती हैं, तो अभी हम ये पानी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अब हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, अराउंड 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, और 1 स्पून अराउंड इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट टू टेस्ट। पर इसमें क्योंकि हम ग्रेवी में भी सॉल्ट डालेंगे तो बॉल्स के लिए इतना ही सॉल्ट बहुत है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से सारी वेजिटेबल्स मिक्स कर लेते हैं। और इसको मैंने ऑयल गरम करने रख दिया, क्योंकि मैंने देखिए सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डालते ही वेजिटेबल्स पानी छोड़ने लगती हैं। या तो आपको पहले करना है तो आप सॉल्ट मत डालिएगा, मैंने ऑयल गरम करने ऑलरेडी रख दिया है, तो मैं बॉल्स तो साथ साथ ही तल लूँगी बनाते ही, तो इसको नहीं, तो अगर आपने सॉल्ट साथ साथ ही डाल लिया है तो फटाफट ऑयल पहले गरम करने रख दीजिएगा, क्योंकि पानी छोड़ दिया तो सब्जियां सारी गीली हो जाएंगी। ये मेरी वेजिटेबल्स कितने अच्छे से मिक्स हो गई, बिल्कुल परफेक्ट बैटर बन गया है, और इसमें मैंने पानी बिल्कुल टच भी नहीं किया है। अब चलिए हम इसके फटाफट बॉल बना लेते हैं, कि जिससे कि मेरा ऑयल बिल्कुल गर्म है लगभग, तो हम फटाफट तल लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैं बॉल्स बना बना के रखती चली जा रही हूँ। आपको थोड़े छोटे बनाने हैं, मीडियम साइज़ के बड़े, वो आपके ऊपर है। ये देखिए आप इसमें चाहें, अगर बच्चे नहीं खा लेते हैं ग्रीन चिली, तो आप 1 ग्रीन चिली भी फाइनली चॉप डाल सकते हैं, उसका भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरीके से चलिए मैं सारे बॉल्स बना लेती हूँ। देखिए मेरे कुछ बॉल्स बन गए और कुछ बचे हैं, तो मेरा ऑयल गरम हो गया, तो मैं क्या करती हूँ, पहले एक फर्स्ट लॉट के बॉल्स इसमें डाल देती हूँ, जब तक दूसरे बॉल्स में बना लूँगी। ऑयल गरम हो गया, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। बहुत गरम ऑयल में नहीं डालने, क्योंकि ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो एक ही छोटा सा मैं इसमें डाल के देखती हूँ, एकदम से उछल के ऊपर को बाहर को आ जाएंगे, इसका मतलब बहुत गर्म है। ये बिल्कुल परफेक्ट गर्म है और मीडियम फ्लेम पे ही हमने मंचूरियन बॉल्स तलने हैं। तो चलिए अब हम मंचूरियन बॉल्स डाल देते हैं, चलिए बाकी के बॉल्स डाल लेते हैं। अब इसमें मैंने चेक कर लिया था, अगर तुरंत ऊपर को आ जाए डैट मीन्स बहुत गर्म है, तो उसको मीडियम फ्लेम पे करके थोड़ा सा ऑयल को ठंडा करके तब डालिएगा, और इसको अभी हिलाना नहीं है, जब एक तरफ से बिल्कुल पक जाएंगे मंचूरियन, और अरोनोट और मैदा भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालिएगा, या पॉपकॉर्न स्टार्च डाला है जो भी आपने यूज़ किया है, क्योंकि वो नहीं तो सब्जियों का फ्लेवर कम आता है मंचूरियन में, और अरोनोट और मैदे का फ्लेवर ज़्यादा आता है।
बस एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक लॉट में मैं इतने तर लेती हूँ, बाकी सेकेंड लॉट में तरेंगे। बस मीडियम हाई फ्लेम की तरफ ही रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है इसको। अराउंड 1 मिनट हो गया, मैं इसको पलटती हूँ और कोशिश करिएगा आप स्पून से पलटिएगा, ये इजीली पलट जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे पलट लेती हूँ। तभी पलटना है कि जब पीछे से एक तरफ से अच्छे से पक जाए, तब ऐसे मैंने इसको हिलाया नहीं, पलट दिया, अब इधर से पकने देंगे। 1 मिनट हो गया, मैं इस साइड से भी पलट लेती हूँ एक बार। हाँ देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गए इस साइड से, तो दूसरी साइड पलट के भी मैं थोड़ी देर के लिए और क्रिस्प कर लेती हूँ थोड़े से उस साइड से। बिल्कुल हमारे तैयार है, अराउंड 30 सेकेंड्स के लिए मैं इसको और कर लेती हूँ, पर इनको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी के बने हुए हमारे जो बॉल्स हैं वो डाल देते हैं इसमें। ये हमारे बॉल्स हो गए, मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये हमारे तल गए, मैंने निकाल लिए और बाकी मैंने के सेकेंड लॉट भी डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया बने हैं क्रिस्पी, तो चलिए उसी तरीके से मैं इनको भी फ्राई कर लेती हूँ। 1 मिनट बाद मैं इनको पलटूंगी और मीडियम फ्लेम पे ही रखना है गैस को, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए इसको इसी तरीके से हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं। ये हमारे सेकेंड लॉट के भी बॉल्स तल गए हैं, इन बॉल्स को तलने में अराउंड 3 से 4 मिनट आराम से लग जाते हैं क्योंकि मीडियम फ्लेम पे हमने इनको तला है। बिल्कुल जल्दी मत करिएगा क्योंकि बॉल्स के ऊपर डिपेंड करता है मंचूरियन का टेस्ट। अगर वेजिटेबल अंदर से कच्ची है या कॉर्न स्टार्च या मैदे का वो आ रहा है, उसमें फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है, तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा मंचूरियन का। तो इसको अच्छे से पकाना है और मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी तो चाइनीज़ कुकिंग आपको पता है हाई फ्लेम पे होती है, पर ये बॉल्स आपको मीडियम फ्लेम पे ही तलने हैं। चलिए अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। हमारे सारे क्रिस्पी मंचूरियन बॉल्स तल गए हैं, चलिए अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मंचूरियन शाम को बनाना है, गेस्ट आ रहे हैं तब बनाना है, तो ये बॉल्स आप तल के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको ग्रेवी में तो जाना ही जाना है। तो चलिए अब हम ग्रेवी बनाते हैं मंचूरियन की। ग्रेवी बनाने के लिए देखिए वही ऑयल मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून अराउंड निकाल रख लिया है, बाकी मैंने निकाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी अराउंड 1 मीडियम साइज का फाइनली चॉप अनियन। इसको बस 1 मिनट के लिए हमने सॉटे कर लेना है, इसको बिल्कुल भी कच्चा मतलब कि कच्चा पर निकल जाए प्याज का, बस इतना करना है। इसके साथ इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून चॉप और पिसा हुआ है जैसा भी है, या गार्लिक पेस्ट है या चॉप्ड है, कोई भी आप डाल लीजिएगा। 1 से 2 ग्रीन चिली, ये आप देख लीजिएगा, गार्लिक भी टोटली ऑप्शनल है, आप जैसा डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। को हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे और इसमें अराउंड मैंने गार्लिक के नीचे ही छोटा सा एक टुकड़ा फाइनली चॉप जिंजर का था वो भी था, मैंने पतला पतला महीन अदरक काटा, भैया देखिए दिख रहा है वो उसी में मिक्स हो गया था, एक साथ काट लिया था, वो बहुत अच्छा लगता है इसमें अदरक, आजकल कच्चा अदरक आ रहा है, उसको महीन काटिए बहुत और एज इट इज डालिए। और गार्लिक जो लोग नहीं खाते कोई दिक्कत नहीं है, बॉल्स में भी स्किप कर सकते हैं और ग्रेवी में भी स्किप कर सकते हैं। ये बस मैंने सॉटे कर लिया है, मैंने डाला 1 मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ, 1 इंच अराउंड अदरक कटा हुआ फाइनली चॉप, और 1 टीस्पून अराउंड गार्लिक है चॉप्ड हो या पेस्ट हो। अब इसको सॉटे कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना, बस हमने 1 मिनट हाई फ्लेम पे इसको कर लेना है। कैप्सिकम भी टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें चाहें तो बेल पेपर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसमें डालेंगे अराउंड 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे विनेगर और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें रेड चिली सॉस, बस 1 स्पून डालना है, 1 स्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 स्पून डालेंगे ये ग्रीन चिली सॉस इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम डालेंगे 1 स्पून भर के शेजवान चटनी।
इसको एक बार अच्छे से स्टिर कर लेंगे। डालेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। वैसे तो शुगर भी जरा सी डलती है आप पिंच पर, टोमेटो केचप डाली है और उसके बाद भी मैं 1 फोर्थ स्पून शुगर डालूंगी, क्योंकि ये खट्टा मीठा सब ना सारे फ्लेवर को बैलेंस कर देती है कि। और ना इसके बाद हमने डालना है ब्लैक पेपर, अराउंड 1/2 टीस्पून डल जाएगी ब्लैक पेपर, और 1/2 स्पून ही हमने डालना है अभी सॉल्ट, 1/2 से भी कम, 1/4, क्योंकि जितनी भी सॉसेस डाली है सब में सॉल्ट है। बॉल्स में मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आपको पता ही है नमक डाला हुआ है। बस इनको अब ये सारा 1 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे जरा सा बॉईल हो जाए, इसको बॉईल कर लेते हैं अच्छे से। देखिए सारी सॉसेस डल गई हैं हमारी इसमें, ग्रेवी पक गई है। इसके बाद मैंने देखिए 1.5 चम्मच यही वाला कॉर्न स्टार्च लिया था, 1/4 कप पानी में डाला है, इसको हम डाल देंगे और अच्छे से एक उबाला दिला लेंगे इसको अच्छे से, हाई फ्लेम पे करना है। देखिए हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है, इसमें मैं अराउंड 1/2 कप और पानी डालूंगी, क्योंकि हम ड्राई मंचूरियन नहीं बना रहे हैं, हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं। ये देखिए एक इसमें बॉयल आ जाए अच्छे से, इसमें एक अच्छे से हमने उबाला आ जाए, ये ग्रेवी उबल गई है, पक गई, कच्ची ग्रेवी में बिल्कुल नहीं डालना। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे मंचूरियन बॉल सारे, इस तरीके से हम सारे बॉल्स डाल देंगे मंचूरियन में हम। इसके बाद हम इसको एक बारी मिक्स कर देंगे, इसको हमने ज़्यादा नहीं करना है, इसको बस 1 से 2 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल कर लेना है, उसके बाद कवर करके रख देना है, इसको ज़्यादा नहीं कराना, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए अब हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल कर लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस बंद कर दिया, उसके बाद अब हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ के कवर करके रख देंगे, छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सर्व करेंगे, उसको रसने देंगे अंदर तक उसके रस जाए। तो चलिए इसको अब हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स 1/2 घंटा हो गया मैंने इसको कवर करके रखा था, चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से रस गया है, ग्रेवी देखिए बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा ग्रेवी पतली थी, अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई है ग्रेवी, क्योंकि कॉर्न स्टार्च डाला था तो वो अपना ग्रेवी को उसने थिक कर दिया है। अब हमारे वेज मंचूरियन बिल्कुल रेडी हो गया खाने के लिए, चलिए अब हम इसको सर्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरा वेज मंचूरियन खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, इसको आप नूडल्स के साथ खाइए, फ्राइड राइस के साथ खाइए, जैसे भी खाइए, बहुत ही यम्मी लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। चाइनीज़ में आपको पता है केवल वेजिटेबल्स का होता है काटने का, अगर वो कट गई तो बनाना बहुत ही आसान होता है। और इसको मैंने ग्रीन कोरिएंडर से गार्निश किया है, अगर आपको स्प्रिंग अनियंस मिल जाए तो वो भी ज़रूर डालिएगा, आजकल सीजन नहीं है तो मेरे को मिले नहीं है, नहीं तो स्प्रिंग अनियंस बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और आप बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा मेरे वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।